गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एम कॉम सेमेस्टर वन में हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी हैव रेशियो एनालिसिस सो टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो एनालिसिस एंड मेनली द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज बेसिकली देर आर बेसिकली रेशियोज इन योर चैप्टर क्लासिफाइड इन टू सिक्स कैटेगरीज आई हैव रिटर्न ऑल द सिक्स कैटेगरीज एंड द रेशियोज इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरीज सो जस्ट हैव अ लुक ऑफ दैट थिंग कौन कौन से कैटेगरीज में कौन कौन से रेशियोज आते हैं वट आर द मीन ऑफ दो रेशियोज और आपको रेशियोज ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है सो so, ओवरऑल हम बात करेंगे आज आपके दो रेशियो की एक्चुअली आई विल प्रिपेयर एक्चुअली आई हैव प्लान दैट आई विल डू थ्री लेक्चर्स फॉर दिस एंड इन ईच लेक्चर्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू लाइन ऑफ रेशियोज सो टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड लिक्विडिटी रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज रेश एव एन नोज द मीनिंग ऑफ रेशियो बट इन जनरल अगर हम बात करें तो रेशियो का मतलब होता है टू कंपेयर यस जब आप ए जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने की बात करते हैं स्पेसिफिकली इन द कैटेगरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज एंड फर्म्स इंटरफर्म और इंट्राफर्म तो इंटरफॉर्म और इंट्राफर्म यानी कि एक दूसरे के साथ दो कंपनियों को या तो फिर एक ही कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हम उसे कंपेयर करते हैं। टू फाइंड आउट द गुड एंड बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी जनरली व्हाट वी आर डूइंग वी आर कंपेयरिंग द कंपनी विद अदर कंपनी और वी आर कंपेयरिंग द कंपनी विथ इट्स पास रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पी एन एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट और हम उसे आसानी से जानते कि भैया प्रॉफिट इतना है या लॉस इतना है तो अब इस वक्त क्या फाइनेंशियल पोजिशन है बट फॉर कंपेरिजन और यू कैन से दैट फॉर द बेटर इवेल्यूएशन यू नीड अ पर्टिकुलर सिस्टमैटिक मैथड एंड रेशियो इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल वेरी ओल्ड वेरी वेल नोन एंड वेरी फेमस टेक्नीक टू कम्पेयर और टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंपनी इनफैक्ट रिसर्च जितने uh, होते हैं वेदर इट इज फॉर एम फिल्ड मास्टर ऑफ फिलोसॉफी या पी एच डी जनरली स्टूडेंट और रिसर्चर्स रेशियो यूज करते हैं फॉर कंपेरिजन फॉर इवेल्यूएशन पर्पज ओके तो यहां पर हम आज बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा लाइन ऑफ रेशियो है क्लासिफिकेशन में दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सो हियर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन दैट द फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीनिंग इज द सेम ओके रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल रिमेंबर स्टूडेंट्स ये मैंने एक लाइन में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रहे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन से आएंगे या फिर लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बेसिकली वी हैव सिक्स है टीवाई बीकॉम यानी थर्ड बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रेशियो उनके उनके भी रेशियो चैप्टर है तो वो भी इस चीज से समझ सकते हैं सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो हेयर this is your profitability ratio. the profitability ratio, mein first is gp ratio, formula gp upon sales in 200 gp means gross profit answer, obviously in percentage. net profit ratio, that is net profit upon sales in 200. answer is definitely in percentage. net profit, kamala hai profit after tax. remember, students, we do not have only one meaning of profit. that is profit before, uh, only profit after tax. we have earning before interest and tax. we have profit after tax. okay? then return on investment or return on capital employed. रिमेंबर स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एम्प्लॉय तो हियर रिटर्न क्या तो रिटर्न इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मीनिंग है तो so मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि वट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो मैंने बनाया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि शेयर होल्डर्स फंड तो शेयर होल्डर्स फंड आएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड उसमें क्या आएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल में क्या आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा ओके okay? सो so, ये चार आपको याद रखने हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेशियो हैविंग एनी वन ऑफ दिस फोर इन डिनोमिनेटर सो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंसर प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट यानी कि आपके लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसे हम कहते हैं इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व एंसर प्लस जिसमें से आप सिर्फ फिक्टिशियस एसेट यानी जो मिलकते जो एसेट्स आपकी रियल नहीं है वो माइनस होगी इक्विटी शेअर होल्डर्स फंड म इक्विटी शेअर कॅपिटल रिझर्व इन सरप्लस मायनस वेक्टिशियस एस इटे असेट्स इक्विटी शेअर होल्डर्स फंड मिकॉज इट इज इ रिटर्न इक्विटी सो प्रेफरेस विल नॉट इन्क्लुडेड उव्हर हिअर इक्विटी शेअर होल्डर्स कॅपिटल ओनली इक्विटी कॅपिटल इक्विटी कॅपिटल राईट कॅपिटल एम्प्लॉइड इन्क्लूड एव्हरीथिंग शेयर होल्डर्स कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है कि हिस्टर लॉन्ग टर्म डेब्स इज नॉट इंक्लूडेड वाइल कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड लॉन्ग टर्म सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंसर प्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्स माइनस फिफ्टीशियस असेट्स सो दिस टू हैविंग ओनली वन डिफरेंस एंड दैट इज लॉन्ग टर्म डेप्स This two, having only one difference, uh, this two means equity capital only and equity funds. Here preference and long-term debts will not included, okay? So, I hope you will understand this four very clearly. Now, reserve and surplus and fictitious asset. Reserve and surplus, all kind of reserves, uh, profit and loss, credit balance, security premium. While well, fictitious asset, means those assets जिसे हम असेट्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते बट दिस थिंग विल जनरेट प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन फॉर एन एक्जाम्पल आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एडवर्टाइजमेंट बेसिकली आप जानते हैं कि उसे एल अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखाया जाता है बट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे जो काफी बड़े अमाउंट में है Uh, और वो अगर हम पीएनएल में पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर डालेंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत कम या तो फिर लॉस में देखेगा जबकि वो एडवर्टाइजमेंट जिसपे आपने इतना बड़ा खर्च आ किया है बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करके दे सो दैट्स सो इट इज नॉट एडेड एज एक्सपेंस इट इज नॉट डिडक्टेड एज एन एक्सपेंस बट इट इज कंसिडर्ड एज योर फ्यूचर जनरेशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ फिक्टिशियस असेट और वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है सो वट काइंड ऑफ फिक्टीशियस असेट्स वी हैव अंडर राइटिंग कमीशंस प्रिलिमिन्री एक्सपेंस शेयर डिबेंचर डिस्काउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड पी एन एल अकाउंट डेबिट बैलेंस ओके सो दीज आर इज कंसिडर्ड एज अ फिक्टिशियस असेट रिमेंबर दिस जो मैंने ये चार आपको लिख के दिए हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको हमेशा याद रखने हैं ओके नाउ बैक टू अवर फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसमें हमारी एनपी की बात हो गई नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बार पूछा जाने वाला ये रेशियो है क्या दिखाता है ये रेशियो दिखाता है कि आपने जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड किया है अपने बिजनेस में उसमें आप कितना रिटर्न कमा रहे हो इट मीन जो इन्वेस्ट किया है उसमें से आप कितना इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट वाई बिकॉज इंटरेस्ट इज दर्ड पार्टी लाइबिलिटी एंड टैक्स डेफिनेटली टू गिव गवर्नमेंट तो उससे पहले यानी आपका रॉ प्रट ओके नंबर फोर पर आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके शेयर होल्डर्स ने आपको जो पैसा दिए है ना योर शेयर होल्डर्स फंड अभी मैंने आपको जो सिखाया है कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है तो शेयर होल्डर्स फंडस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर से आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्स इंक्लूड नहीं किए बाकी सारे आए यानी कि आपके खुद के शेयर होल्डर्स ने जो आपको पैसा दिया है उनको आप कितना कमा के दे रहे हैं ओके नंबर फाइव पे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड में आप सारे लेते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में आप सिर्फ इक्विटी लेंगे एंड द लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल ये सिर्फ आप अपने इक्विटी जिन्होंने आपको इक्विटी दी है उन शेयर होल्डर्स को आप कितना कमाकर कमा दे रहे हैं रिमेम्बर स्टूडेंट इक्विटी शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज ए रियल ओनर्स ऑफ अवर बिजनेस यानी कि आपके खुद आपके कंपनी के मालिक काइंड ऑफ इसलिए हम पीएटी टी काउंट करते हैं और उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं वाई बिकॉज जो डिविडेंड लेने का फर्स्ट चांस है दैट गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दैट्स वाई डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल ये सारे रेशियो परसेंटेज में आएंगे ये सारे रेशियो परसेंटेज में आएंगे सो अवर फर्स्ट लाइन ऑफ रेशियो इज आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल ये खत्म हुआ है अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड लाइन ऑफ रेशियो लिक्विडिटी की रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको दिखाता है कि आपने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो या कमा सकते हो बिकॉज रेशियो डेफिनेटली रेशियो इसलिए भी यूज होता है फॉर द एस्टिमेशन और इसीलिए बजट और बजटरी कंट्रोल में भी इसे यूज किया जाता है ये बेसिकली रेशियो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड है हमारा लिक्विडिटी रेशियो नव लिक्विडिटी रेशियो में हमारा पहले क्या आता है तो लिक्विडिटी रेशियो में स्टूडेंट्स हमारा पहले आता है करंट रेशियो करंट रेशियो का मतलब होता है, one, right? और, uh, मतलब एक करंट अट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों सेम है बट आइडियल इज दिस टू इज टू वन यानी आपकी असेट्स आपकी लाइबिलिटी से दो गिना हो यानी डबल हो वाई बिकॉज ऑब्वियसली असेट ज्यादा है दैट शोज गुड स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी चलिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में किसे इंक्लूड किया जाता है मेन मेन तो आप जानते ही हैं जो थोड़ा सा अलग होता है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रेजुएटी फंड ये सारी लाइबिलिटीज में यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस पेड इनकम टैक्स ये सब आपके करंट एसेट्स में है ठीक है लिक्विड रेशियो वट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड लिक्विड करंट एंड लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट डजेंट इंक्लूड स्टॉक लिक्विड लाइबिलिटी डजेंट इंक्लूड बैंक ऑफ अवड्रा वाई स्टॉक करंट एसेट्स में तो फिर सब आ गया सिर्फ स्टॉक नहीं आया और उसकी वजह यह है कि स्टॉक ऐसी चीज है जिसे बेचने के लिए यू हैव टू मेक अ सर्टेन एक्स्ट्रा एफर्ट करंट लिक्विड असेट्स में वो असेट्स आती है जिसको कैश में कन्वर्ट करना लिटल बिट ईजी हो और करंट लिक्विड लाइबिलिटी में वो लाइबिलिटी आती है जिसे पे ऑफ करना लिटल बिट ईजी हो फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्टॉक की तो स्टॉक के लिए आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन खरीद रहा है सो so, इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है इन लिक्विड यानी इंटू कैश वाइल डेटर्स हैं तो जैसे ही आपको वो पैसा दे देते हैं इट कन्वर्टेड इन कैश राइट आइडियल इज वन पॉइंट आइडियल किसे कहते हैं अगर आपकी लिक्विड एसेट्स आपकी लिक्विड लाइबिलिटी से वन पॉइंट फाइव परसेंटेज पॉइंट फाइव गुना ज्यादा हो जस्ट लाइक टू ओके तीसरा है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो और कैश रेशियो ये लिक्विड रेशियो से भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लिक्विड और इसीलिए क्विक असेट में सिर्फ वही आती है जो कैश है या फिर इन टर्म्स ऑफ कैश है फॉर एन एग्जाम्पल कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ईजिली मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज जो जल्दी सी मार्केट में घुल जाती है आपको कैश कमा के दे देती है राइट एंड द नंबर फोर इज नेट वर्किंग कैपिटल आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइविलिटी रिमेंबर स्टूडेंट वट इज द फॉर्मुला ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी और इसीलिए नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई नेट असेट्स नाउ वट इज नेट असेट तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी यानी करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो होता है, okay? Now, uh, तो वो होता है वो उसमें अगर आप फिक्स असेट ऐड करते हैं दैट इज ओके नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो है कैटेगरी ऑफ रेशियो पढ़ेंगे दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सिक्स रेशियोज हम पढ़ेंगे जीपीएनपी आर ओ आई रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल और लिक्विडिटी में करंट लिक्विड और क्विक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं यहां तक की बात कर रहे हो वी आर मोर कन्वर्टेड इन टू कैश एसरेट में जल्दी जाते हैं वो रेशियो ढूंढते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है और नंबर फोर इज नेटवर्किंग कैपिटल करंट जितना ज्यादा लिक्विड जितना ज्यादा क्विक जितना ज्यादा उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होता है बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द फॉर्म हैविंग ओनली वन प्रॉब्लम दैट इज कैश कैश हाथ में नहीं होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है सो दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी रेशियो ओके स्टूडेंट्स uh, uh, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट लेवरेज रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं एंड यस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फोर फॉर्मूला वेरी वेल क्यूट हर एक आगे भी हम जितने रेशियोस करेंगे और अभी भी हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखा उसमें ये चार मेन है और रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस असेट किसे कहते हैं दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ओके स्टूडेंट्स तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फॉर अनदर टू लाइन ऑफ रेशियो एंड दैट इज लिवरेज रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय एवरी